अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन, इज़न्ट इट? से अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। जी जनाब, कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने लाइफ स्किल डिस्कस की थी, जिसमें हमने कौन सी स्किल के बारे में डिस्कशन की थी कि भाई किस तरीके से हम अपने आप को बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। चलें आज हम डिस्कस करेंगे सिविक स्किल्स। जी जनाब, सिविक स्किल्स क्या होती हैं? भाई जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ठीक है, उस सोसाइटी में रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं ताकि अपने आप को एक ज़िम्मेदार शहरी, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न साबित कर सकें। ठीक है जी, तो आज हमारे पास कौन सी सिविक सेंस मौजूद है? फाइंडिंग रीज़न, पेज नंबर 70, फाइंडिंग रीज़न्स, यानी कि वजूहात को फाइंड आउट करना। ठीक है, वजूहात को ढूंढना। अच्छा, बहुत सारी बातें होती हैं भाई। देखें आप, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रह रहे होते हैं। हमारे नेबर्स में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो अलग अलग यानी कि सूबों से भी बिलोंग कर रहे होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर सिर्फ आप ही की कम्युनिटी के लोग हों, इज़न्ट इट? जी, तो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिसमें हम बातचीत करते हैं उनसे, ठीक है, और फिर क्या होता है कि कभी कभी किसी से नाराज़गी भी हो जाती है, किसी को हमारी बात बुरी लगती है, कोई हमारी बातों को अप्रिशिएट करता है। इस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में रह रहे होते हैं। ठीक है, तो भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उसका रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम अगर हुई है तो ये क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, किसी ने ऐसा क्या कह दिया या किसी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या किसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने को हम क्या कहते हैं? फाइंडिंग रीजंस। यानी कि किसी भी चीज़ की तह तक जाना पहले आप अपनी, यानी कि आप ख़ुद पहले सर्च करें कि भाई क्या मसला हुआ था, किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, और फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सॉल्यूशन, यानी कि हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मौजूद होता है। बस ये है कि हर इंसान को अक्लमंदी और दानिशमंदी का सबूत देना पड़ता है। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो पहले बात की तहकीक करते हैं और फिर उसके बाद वो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से हमारी बुक में हमें बताया गया था कि अलराजी जो थे वो उनके सामने क्या प्रॉब्लम आई थी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स हो रहे थे, तो उन्होंने फाइंड आउट करना शुरू किया भाई बच्चों में ये कॉमन डिजीज़ क्यों होने लगी है, इसके कॉजेस क्या हैं, किस वजह से ये हो रही है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, किस चीज़ से बच्चों को बचाना होगा और किस चीज़ से हम तमाम बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं। इन सारी चीज़ों का उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि भाई सफाई सुथराई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफाई की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया है। इसी तरीके से उन्होंने ये बताया कि जब हम साबुन से जब तक हाथ धोते रहेंगे तब तक हम बीमारियों से महफूज रहेंगे, यानी कि हमें अपने आप को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है अगर हम अपने हेल्दी रहना चाहते हैं। तो ये सारी कॉजेज़ थी जो अलराजी ने फाइंड आउट करी थी, रीजंस फाइंड आउट करे थे, डिजीज़ के रीजंस फाइंड आउट करे थे, याद है ना आप लोगों को, जो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था। जी जनाब, चलें अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में हमें क्या बताया जा रहा है। फाइंडिंग रीजंस, राजी वर्क हार्ड टू फाइंड द रीजंस दैट कॉज डिजीजेस। We can solve problems if we know their reasons. Finding reasons for a problem is an interesting activity. भाई अलराजी ने क्या किया था, बहुत मेहनत की थी causes find out करने के लिए कि chicken pox क्यों हो रहा है, ये डिज़ीज़ किस वजह से हो रही है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने उसके कॉजेज़ फाइंड आउट किए थे और आपको पता है इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, फाइंडिंग रीज़न। और आपको पता है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, अगर हम करते हैं किसी भी बात की तह तक जाना, आपको पता है जब आप
अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो जब आप ये काम शुरू करेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. टू फाइंड द रीजंस वी हैव टू लुक बैक एट व्हाट वाज हैपनिंग राइट बिफोर द प्रॉब्लम टुक प्लेस. अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले देखना है कि हम ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, किस वजह से शुरू हुई, उससे पहले क्या सब सही था और फिर अचानक से ऐसा क्यों हुआ. ये सारे कॉजेज जो बीच की सिचुएशन है उसको आपको देखना पड़ता है. देयर मे बी मोर देन वन रीज़न फॉर अ प्रॉब्लम. और हो सकता है कि ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुई है तो इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न ना हो, हो सकता है बहुत सारे रीजन्स भी हों. वी हैव टू ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चंस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस एंड फाइंड द रीज़न फॉर अ प्रॉब्लम. हमें ऑब्जर्व यानी कि देखना पड़ेगा, पहले भांपना पड़ेगा, उसके बाद लोगों से पूछगछ करनी पड़ेगी, लोगों से इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी चाहिए और फिर ही हम उसके रीजंस फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट्स थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम एंड देन ट्राई फाइंडिंग द रीजंस दैट कॉज दैट प्रॉब्लम. अब आपने सोचना है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और अगर है तो आपने उसके रीजंस या उसके कॉजेज फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, अच्छा एक्टिविटी हमारे पास क्या है. एक्टिविटी हमें दी गई है चिल्ड्रन फाइट विद ईच अदर. यानी कि प्रॉब्लम बताई गई है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं. ठीक है, अब रीजंस आपको बताना है कि बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं. थ्री रीजंस आपको बताना है भाई. हो सकता है कि भाई देखें, अगर आप भी तो अपने भाई से लड़ते होंगे, छोटे भाई से भी लड़ते होंगे, बड़े भाई से भी, isn't it? जी, तो आप क्यों लड़ते हैं? आप लोग टॉयस पे लड़ते होंगे, है ना जी. अगर आप लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप लोग बैटिंग पे लड़ते हैं, है ना जी. और किस चीज़ पे? कभी आपके फादर आपके लोगों के लिए चॉकलेट्स ले आते हैं तो अगर आपको एक कम मिल गई तो भी आप लोग फाइटिंग शुरू कर देते हैं, है ना. यही सारी बातें हैं ना, ऐसा ही होता है ना जी. ये तो हर घर की कहानी है, सब बहन भाई शुरू में ऐसे ही लड़ते हैं और फिर बड़े होकर खूब अच्छे से और पक्के से दोस्त भी बन जाते हैं. तो जनाब, ये इस तरीके के जो भी रीजंस हैं कि आपकी और आपके भाई के दरमियान फाइट क्यों होती है, तो ये आपने डिस्कस करना है टीचर के साथ और थ्री रीजंस आपने बुक में मेंशन करने हैं. ठीक है जी. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बताई गई है? चिल्ड्रन गेट सिक. अच्छा, बच्चे क्यों बीमार होते हैं, इसके रीजंस आपको बताना है. भाई बच्चे जो हैं वो हैंड वॉश नहीं करते इसलिए भी बीमार होते हैं. जी हाँ, बहुत सारे बच्चे हैंड वॉश नहीं करते हैं. बार बार बोलना पड़ता है, मामा को बोलना पड़ता है, बाबा भी बोलते रहते हैं हैंड वॉश कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, तब जाके आप लोग हैंड वॉश करते हैं. ऐसा ही है ना जी. हाँ, ये हर घर की कहानी है, ये मैं जानती हूँ. अच्छा, और क्या रीजंस हो सकते हैं बच्चे बीमार क्यों होते हैं? भाई वो अनहेल्दी फूड खाते हैं. आजकल के बच्चे भाई बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा, बर्गर, फ्राइज की तरफ बहुत शौक से जाते हैं ना, और बहुत शौक से खाते भी हैं. और आपको पता है ये बहुत अनहेल्दी फूड है, ये हमें डेली बेसिस पर नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए. कभी कभार आप खा सकते हैं. इन्हीं चीज़ों से क्या होता है कि हमारा पेट ख़राब होता है और हम बीमार हो जाते हैं. अच्छा, और क्या रीज़न हो सकता है बच्चों के बीमार होने का? भाई हो सकता है कि आपने ब्रेकफास्ट सही नहीं किया होगा. टाइम टू टाइम आप ब्रेकफास्ट, अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तब भी आप बीमार हो सकते हैं. ठीक है, इसलिए आप कोशिश क्या करें, जब आपका डे स्टार्ट हो तो आप कुछ हेल्दी मील ज़रूर लें. और ख़ासकर कोशिश क्या करें कि बॉयल एग और मिल्क का इस्तेमाल डेली अपनी लाइफ में ज़रूर करें. प्यारे बच्चों, अब आपने भी अपनी टीचर के साथ ये सारी बातें डिस्कस करनी है. रीजंस जो भी हैं आप खुद सोचिएगा और टीचर के साथ डिस्कस भी कीजिएगा और बुक में भी मेंशन कीजिएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.